माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे काबिल बने। कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, तो कोई इंजीनियर, तो कोई पायलट। लेकिन आज की ये महंगाई के जमाने में बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना सस्ता नहीं रहा है। एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। पहले मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग, फिर अगर अच्छी रैंक नहीं आई तो प्राइवेट कॉलेज में दाखिला। ये एक आम मिडिल क्लास परिवार के बस की बात नहीं है। आज के समय में कोचिंग में ही लाखों की फीस लग जाती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो फीस इतनी है कि गरीब आदमी को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ जाए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तर। चलिए आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने बच्चे को आसानी से डॉक्टर बना सकते हैं। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आज ही कर लीजिए। किसी भी बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए MBBS करना जरूरी होता है। MBBS में दाखिले के लिए नीट का एग्जाम पास करना होता है। आज नीट की कोचिंग भी सस्ती नहीं है। आकाश और एलन जैसे इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए लाखों रुपए की फीस वसूल लेते हैं। नीट पास करने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए अच्छी रैंक लानी होती है। हर बच्चे की अच्छी रैंक नहीं आ पाती है, जिससे हर किसी को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाता है। जिन स्टूडेंट्स को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाता है, उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का रुख करना पड़ता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने से सबसे बड़ा फीस का फायदा होता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले काफी सस्ती होती है। भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की फीस 10,000 रुपए से शुरू होकर 1,00,000 तक होती है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ MBBS की फीस आज के समय में 50,00,000 से 1,00,000 रुपए के बीच होती है। ये फीस आज के लिए है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसके समय में फीस कई गुना तक बढ़ सकती है। आज के समय में एजुकेशन की इन्फ्लेशन काफी आई है। मौजूदा समय में एजुकेशन इन्फ्लेशन 11 से 12% के करीब है। मान लीजिए अभी आपका बच्चा 5 साल का है, तो जब वो MBBS में वो 18 साल की उम्र में दाखिला लेगा, यानी कि 2037 में दाखिला लेगा। अगर 10% सालाना की इन्फ्लेशन को जोड़ा जाए तो 2037 में प्राइवेट कॉलेज में MBBS कराने में 1,72,00,000 रुपए का खर्च आ सकता है, जो आज 50,00,000 का खर्च आता है। यानी MBBS की फीस में 1,22,00,000 रुपए का इजाफा हो सकता है। यानी आज से 13 साल बाद निजी कॉलेज से MBBS की फीस में 1,25,00,000 तक का इजाफा हो सकता है। आज भी कई मेडिकल कॉलेज है जो 1,00,00,000 रुपए की फीस लेते हैं। खैर, हम तो 50,00,000 की फीस मान लेते हैं। अब अगर आपका बच्चा 5 साल का है और आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा है, तो आपको 2037 में 2,25,00,000 रुपए की जरूरत होगी। इस 2,25,00,000 की रकम को जोड़ने के लिए आपको आज ही से प्लानिंग करनी होगी। वरना जब आपका बच्चा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने जाएगा तो आपको कर्ज नहीं लेना होगा, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको आज ही से SIP शुरू करनी होगी। 13 साल में 2,25,00,000 रुपए के लक्ष्य को पाने के लिए आपको करीबन 45,000 रुपए प्रति महीने की SIP करानी होगी। ये रकम हमने 12% की सालाना रिटर्न के आधार पर निकाली है। आज के समय में इससे भी अच्छा रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दे रहे हैं। अब अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल है तो आपको 16 साल बाद MBBS में दाखिला लेना होगा। तब आपको 2,25,00,000 रुपए की जरूरत होगी। इस रकम को पाने के लिए आपको करीब 38,000 रुपए की SIP करनी होगी। अगर 12% सालाना का रिटर्न मिलेगा तो आपको 2,21,00,000 रुपए की रकम 16 साल बाद हासिल हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा है तो अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के सपने को पूरा कर सके। इस स्टोरी में फीस के आंकड़े को देखकर डरना नहीं है। ये निजी कॉलेज के हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में इसमें 80 से 90% तक कम फीस लगती है, लेकिन इन कॉलेजों में दाखिला भी हर कोई को नहीं मिल पाता है। खैर, दाखिला तो बाद में होगा, लेकिन आप अच्छे अभिभावक होने के नाते अभी से अपने बच्चे की पढ़ाई की फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े किसी और मुद्दे पर भी अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको उसके बारे में जानकारी दे सके। अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर भेजिए, ताकि वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की ताजा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।